जी, तो आपको कुछ नज़ारे कराता हूँ। ये फीस और बाकी को मैंने कहा कि ज़रा एक आधा राउंड लगाएं, तो अभी ये एक आधा नहीं, मेरा ख्याल 100 मीटर दौड़ने के बाद इनकी हालत आप देख सकते हैं। और क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ताहा है और मैं इस टाइम मौजूद हूँ मॉल टाउन पार्क लाहौर में। ये पाकिस्तान के कुछ खूबसूरत तरीन पार्क्स में से एक है। तो आज आपसे बात करेंगे कुछ सेहत के हवाले से, खसूसी तौर पे नौजवानों की सेहत के हवाले से, कि पार्क्स में नौजवानों का रुझान अमूमी तौर पे नहीं देखा जाता, इसकी क्या वजूहत हैं, और कुछ मिलाएंगे आपको अपने कुछ दोस्तों से। लो भाई, आ जाओ आ जाओ भाई, ये देखें जनाब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इत्तिशाम। मेरा नाम हफीज़ है और मैं लाहौर से हूँ। जी हफीज़ साहब, तो आप कितना रेगुलरली आते हैं पार्क्स में? सर जी, सीन ये है कि मैं तो इतना नहीं जाता। तो क्या वजह, क्या करते रहते हैं घर में? बस सुबह देर से उठते हैं, पार्क में जाने का रुझान नहीं होता, सर्दी होती है तो दिल भी नहीं करता उठने का। बीच में शुरू की थी मैंने रेस कोर्स जाना, लेकिन वो कुछ टेम्परेरी मामला ही था, कोई कभी इसको परमानेंट नहीं लिया। जी भट्ट साहब, सवाल क्या था? सवाल यही था कि आप कितना रेगुलरली पार्क्स में जाते हैं? इतना नहीं, सिर्फ मतलब वॉकिंग के लिए तो नहीं जाते, एक और वजह है मगर वो बता नहीं सकते वैसे। अच्छा, आप लोग आजकल के नौजवानों के हालात आपके सामने हैं, तो एक्सरसाइज हमारी रूटीन से बिल्कुल ख़त्म है, और अक्सर लोग नॉर्मली ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जनाब हमारा पेट निकल आया क्योंकि हम बैठे रहते हैं। मेरी बात हो रही है। खैर देखें, अक्लमंद लोग हैं और हमारा सबका ताल्लुक भी कंप्यूटर साइंस से है, तो नॉर्मली प्रोग्रामर्स के बारे में तो वैसे मशहूर है कि वो बैठे रहते हैं। तो कोई ये नहीं कहता कि यार मैं इसलिए मोटा हूँ कि मैं एक्सरसाइज नहीं करता, सारे ये कहते हैं कि मैं पूरा दिन बैठा रहता हूँ। और अभी हम आपसे खुराक के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में इस टाइम खुराक की जो मसाइल हैं, किस किस्म की खुराक आप खा रहे हैं या हम खा रहे हैं, इसका तो आपको मालूम होगा बड़े अच्छे तरीके से, किस कदर खालिस दूध है इस लाहौर। अच्छा, खुराक के बारे में कहना चाहूँगा कि हमारी तो खुराक भी ऐसी है, ऊपर से लोग आते भी नहीं हैं इस तरह एक्सरसाइज करने। खुराक में आप देख लें, सबसे पसंदीदा आपका मुर्ग मुसल्लम जो आप खाते हैं, वो तो बेचारा खुद अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो पाता, और जिस तरह वो बनता है सबको ही पता है, उसके जो केमिकल्स दिए जाते हैं तो मैंने तो वही केमिकल्स हम खाते हैं। और 20 दिनों के अंदर ये बॉयलर मुर्गी जो है वो चूजे से जो है वो पूरी मुर्गी बन जाती है। और हाँ जी, अच्छा हाँ जी, और कितने के खाते हैं ये जो आप? तो दो चार उड़ा देते हैं, कर सकते हैं। दिन की या हफ्ते की बात कर रहे हैं इधर? हैं दिन की या हफ्ते की बात कर रहे हैं आप इधर? दिन में चार उड़ा देते हैं? नहीं नहीं, वो डिपेंड करता है ना, काम शाम अगर ज्यादा किया हो तो फिर बंदा वैसे। बाकी अगर आप देखें तो वो जो हमारी सब्जियां हैं और जो फल हैं उन पे भी स्प्रे, और जिस तरह वो बनती हैं आपको पता है, जो पानी उनको दिया जाता है खेतों में, तो ये काम काफ़ी ख़राब हो रहा है, और हमारी जो यूथ है वो बेरा रवि का शिकार है। और अगले 10 साल बाद आप देखेंगे कि लोग आपको कोई ऐसे चलता हुआ नज़र आएगा, कोई ऐसे चलता हुआ नज़र आएगा, कोई बेचारा ऐसे चलता हुआ नज़र आएगा। और करवा देना, हम एक्सरसाइज करवा दें। हैं करवा लें यार, एक्सरसाइज आपको कराते हैं, कुछ योगा आपको, कुछ योगा की बेसिक्स कराते हैं, शुरू करते हैं।
कुछ आपको ये बैकग्राउंड में आपको वो बच्चा दौड़ता नजर आ रहा है, ये नौजवान है जो पाकिस्तान को एथलेटिक में गोल्ड मेडल जितवाएगा। हाँ जी, तो आपको कुछ नज़ारे कराता हूँ। ये फीस और बट को मैंने कहा कि ज़रा एक आधा राउंड लगाएं, तो अभी ये एक आधा नहीं, मेरा ख्याल 100 मीटर दौड़ने के बाद इनकी हालत आप देख सकते हैं। और क्या हुआ? हाँ भाई, भाइयों क्या सूरत हाल है, क्या हुआ? हो गई भाई, हो गई है, जॉगिंग हो गई, बस हो गई है। हाँ भाई, अभी एक्सरसाइज इस महीने की होगी, इस महीने की होगी, साल की हो गई है बस। ओ यार क्या हुआ, अभी तो यार 100 मीटर 200 मीटर दौड़े हो। आ यार चने खाए यार, चलो यार ओए देख नाश्ता करने चले यार। हलवा पूरी खा लिया यार, संडे को उठा दिया तो खोए वाले चने यार। ओए यार लस्सी मैंने पीनी है। नाश्ता क्या करना है? यहां से आप हमारी सेहत का अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब अगर साल में गलती से उठ गए तो उसमें भी जो है हम उसके बाद नाश्ता क्या करते हैं नॉर्मली? नान चने, हलवा पूड़ी या संडे करना चाहिए यार। तो क्या खुदा का खौफ करें, कोई बड़ा आपको बेसिक सा नाश्ता करना चाहिए। क्या आप नाश्ते में ले सकते हैं? आप दही ले सकते हैं, आजकल सीजन है, गर्मियाँ सर्दियाँ चल रही हैं, तो आप अनार डाल सकते हैं दही में थोड़ा सा। अभी हम जा रहे हैं किधर? गोगा चने वाले भाई, खरीयत है, साल में एक दफा उठ गया तो अब कैसा नाश्ता कर रहे हो? क्या करें सर। भट साहब, हाउ ऑफन डू यू टेक ब्रेकफास्ट? सम यू नो मे बी अराउंड 1 or 2 इन अ वीक, सो यू कैन गेस द रेस्ट। जी हफीज साहब, सर बताने की जरूरत नहीं है, करते ही नहीं है नाश्ता, नाश्ता होता ही नहीं है। तो ये देख, ये आपके सामने है, एक तरफ हमारे से पूछ रहे हैं कि जनाब वज़न कैसे कम किया जाए, दूसरी तरफ आप इनकी आदत और खसाइल से बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाश्ता जो है एक बड़ा इम्पोर्टेंट मील है, ये जो है ना ये इसको स्किप नहीं किया जा सकता। देखिए आज टाइम पे उठे हैं, आज हम बट कहाँ जाना है? गोगे। हाँ गोगा चने वाला। अच्छा, अब दूसरी जो बात है इम्पोर्टेंट, अगले लोगों को भी थोड़ा लौटनों का समझ नहीं आ रही कि सिर्फ नाश्ता इम्पोर्टेंट नहीं है, अच्छा नाश्ता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा नाश्ता क्या हो सकता है? अच्छा था भाई, मेरा आपसे सवाल है, फिर नाश्ते में जो है क्या खाना चाहिए? अगर आप ये कहते हैं कि देसी ना खाएं क्योंकि चिकनाई बहुत है, फिर एक्सरसाइज देखो देसी का हमने मतलब ही गलत लिया। देसी ये नहीं है कि आप जाके हलवा पूड़ियाँ छः छः खा लें, ठीक है, आप बॉन्ग शुरू हो जाएं, मियारी खाना शुरू कर दें, इतवार की सही जो है वो आप समझ जाएँ। और हमने तो फ़र्ज़ समझा हुआ है कि इतवार को हलवा पूड़ी, हालाँकि ये बहुत ही अनहेल्दी फूड है। हमें हेल्दी फूड क्या हो सकता है सुबह उठ के? और सुबह उठ के हम आजकल सर्दियों का मौसम है, अनार आए हुए हैं बड़े ज़बरदस्त, आप एक अनार छील के रख लें रात को, साथ दही के साथ खा लें, दही के साथ वो आप खा लें, दही में डाल के खाएं, बड़ा ज़बरदस्त लगेगा। कुछ लोग अभी शक्लें बढ़ा रहे होंगे अजीब अजीब सी, तो हालांकि ऐसी बात नहीं है, अनार के बेवहा फ़ायदे हैं, कुछ ज़रा खुद चेक करें ना, मैं क्यों बताऊँ आपको, ज़रा गूगल भी कर लेना चाहिए बंदे को। तो दही के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, उसके अलावा आप अंडा ले सकते हैं, अंडा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखेंगे कि आप लोगों ने भी, दोनों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि एक अंडा भी बंदे ने खाया हो दिन में तो रात तक उसको भूख नहीं लगती। नहीं मुझे तो भाई लग जाती है। ये एक्सेप्शंस केसेस को साइड पे रख दें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो मज़ीद वीडियोस के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आजकल जो नौजवानों के सेहत के हालात थे उनसे कुछ आगाह कर सकें, आपको आगाह किया जाए और क्या क्या